अच्छा जी, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि ये फोन मैंने यहाँ से जो भी मोस्टली मैं ये सोंडर ये जो है ये यूज़ करता हूँ, या ज्योमेट्री वाला मैं यही यूज़ करता हूँ, तो ये खुद ही इसको कैपिटल में शिफ्ट कर देता है। अब ये हो गया, मैं यहाँ पे आ गया पिक टूल पे और इसको थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर देता हूँ। आप डायरेक्ट भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर रिप्लाई करूँ तो उस तरह भी कर सकते हैं। बॉर्डर रिप्लाई करने के लिए हम नॉर्मली यही रिक्टेंगल ही ड्रा करते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना बेस्ट सोल्यूशन है इसका। मतलब यहाँ पे देखिए कि मैंने ये रेक्टेंगल टाइप ड्रा किया और यहाँ पे मैंने इसमें फिल कर दिया येलो कलर, क्योंकि ब्लैक वाइट और ये कलर ठीक होते हैं। अब यहाँ पे फिल इसने किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ये इसमें एक मसला आ रहा है मेरे वर्जन में। नॉर्मली ये इस तरह स्ट्रेट होता है, इसको अगर हम कर्व करना चाहें ना तो ये F10 से भी हो जाता है, और शेप टूल ये लेफ्ट साइड पे आपको माउस मेरा नज़र आ रहा है ना, तो ये यहाँ से भी हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ा जूम करूँगा ताकि मुझे सही नज़र आए, एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब मैं इसको जैसे इस तरफ से ले जा रहा हूँ तो ये कर्व होता जा रहा है, तो आप जूम आउट करके चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह से लगेगा। अगर आप चाहें तो और भी इसको कर्व कर लें, फिर टेक्स्ट जो है उसी तरह से F8 से भी आप कर सकते हैं, और ये यहाँ पे भी इसमें ए पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये येलो है तो येलो के ऊपर ब्लैक नज़र आता है। लेकिन सीन ये कि इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको बार बार फॉन्ट चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग्स, तो उसके लिए हम आसान हल क्या करते हैं, हम ये जो पहले एक दफ़ा टेक्स्ट लिख लिया ना उसको कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। अब ये जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये उतने ही डिस्टेंस पे इसकी कॉपीज निकालना शुरू कर देगा। ये देखें उतने ही डिस्टेंस के मुताबिक ये काम कर रहा है, कॉपीज भी निकाल रहा है, चूंकि मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया था एक दफ़ा इस तरह से, तो उसी हिसाब से ये देखें उतने ही डिस्टेंस पे ये कॉपीज बनाएगा। कंट्रोल डी डी करता जाऊँगा तो उसी तरह से ये उतने ही स्पेस के मुताबिक वो बनाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरह से ये बेसिकली कंट्रोल डी हमारे लिए काम आसान करता है। माउस से भी हम सेलेक्ट करके मूव करें, राइट क्लिक करें तो उसकी एक डुप्लीकेट आ जाती है, लेकिन वो वन टाइम के लिए होती है। कंट्रोल डी का हमें फ़ायदा ही होता है जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको लेकर मैंने डुप्लीकेट करना है, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ये समझ में लगी आपको ना, ये कंट्रोल डी मैंने इसका किया और इसको मैं इतने डिस्टेंस पे ले आए। अब दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ तो देखें उसी हिसाब से उतने ही डिस्टेंस के हिसाब से ये हो रहा है। पहले मैंने करीब करीब करके किया था, अब मैंने इसको एक दफ़ा बता दिया करके, तो अगली दफ़ा कंट्रोल डी करूँ तो उसी तरह से ये उसी स्पेस के हिसाब से इसकी कॉपीज निकालने शुरू हो गए। तो ये आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ हो रहा है, बैकग्राउंड चूंकि मेरा ब्लैक ही है तो मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करने वाला, और ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस से सिलेक्शन करूँ तो ये सर आगे पीछे ना हो। जब पीछे बैक हमें नज़र आ रहा है वाइट, वो हमारा एक्चुअली जो है ना वर्किंग स्पेस है जो इस पर हम काम करेंगे, तो वो ऑलरेडी हमने कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने से ये कि देखें ये मैं माउस इस तरह फेर रहा हूँ किसी भी एंगल में डायरेक्शन में, तो ये मसला नहीं कर रहा मेरे लिए। वैसे नॉर्मली इसको मसला फिर यही आता है कि ये उसको इधर उधर मूव करते हैं, जैसे इससे पहले आपने देखा है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बताया था कि रेक्टेंगल के ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो तो आपको समझ में आ गया ना, आवाज आ रही है आपको? जैसे लेट सपोज मैंने सिर्फ 5 मरल और 10 मरल लेगा एक इस तरह ये बना दिया, इस वाले को डिलीट करूँ कि इसकी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने टेक्स्ट लिख लिया और इसको हम इस तरह रख के अब थोड़ा सा माउस से मैंने सेलेक्ट किया पहले, फिर अब जो की होती है कीबोर्ड पे उससे मैं इसको इस तरह से ऊपर ले आया। अब ये अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ इस तरह से, तो भी ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है। F4 से फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो ये इस तरह से आपने ये 2-3 सेटिंग्स कर ली हैं। इसके बाद ये है कि आपने अगर किसी प्लॉट की रियलिस्टिक पिक्चर है या रियलिस्टिक नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने उस दिन आपको तरीक़ाकार बताया था कि हम जाते हैं पिक्सल्स वेबसाइट पे, तो वो हमारे लिए जो है ना ज़बरदस्त काम करती है।
पिक्सल्स वेबसाइट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आपका हमारा चूँकि प्लॉटिंग का काम, हम प्लॉट लिख के सर्च करते हैं कि प्लॉट के रिलेटेड इनके पास पिक्चर्स हैं या नहीं। अगर प्लॉटिंग की ना हुई तो फिर हम जो है बिल्डिंग लिख के सर्च कर लेंगे, मतलब उसके रिलेटेड। अच्छा, स्पेसिफिक कीवर्ड पे इसके पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे हाउस लिख लेते हैं, ऐसे ना का कुछ भी। जी अभी भी हैंग है, अभी नजर आ रहा है आपको? अच्छा, वो मैंने इधर से ये नहीं किया, अभी आपको नजर आएगा। नेट भी थोड़ा सा स्लो है मेरा, तो ये देखें ये पिक्सल्स वाला नजर आ रहा है आपको ना। यहाँ पे कोई भी आपके हमारे पास, जैसे मेरे अपनी कह लूँ, मेरे पास रेल कोई उधर की साइड की पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैनेडा और उस तरह के जगहों के पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे अंग्रेज़ों ने ही, देखें ये इस अंग्रेज का ये नाम है, इसने ये अपलोड की है, तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पिक्चर्स इसे डालते हैं और ये कॉपीराइट फ्री हैं, इस पर कोई मसला नहीं आता। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अपनी रियलिस्टिक कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाली पिक्चर भी अच्छी है, तो इसको मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। इससे और भी कोई दो तीन पिक्चर्स हम देख लेते हैं जो हमें लगे कि ये वाला ज़बरदस्त है। तो अब चूंकि हम प्लॉटिंग की बात करें तो उसके साथ हम अगर ये घर की तस्वीर दिखाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, इसलिए रियल लगेगा ना कि हाँ भाई हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते, वो तस्वीर देख के ही उसे समझ जाते हैं ज़्यादातर कि ये किस चीज़ के बारे में। इसमें से ये एक विला है, इसका हम डाउनलोड कर लेते हैं और कोरल ड्रॉ पे मैं वापस आ जाता हूँ। और अब जो है यहाँ पे कंट्रोल मैं क्या करूँगा, आई करूँगा